हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एलसीएम निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, एलसीएम को हम दो विधियों से हल करना सीखेंगे, एक गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। इन दोनों विधियों से हम एलसीएम अर्थात लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसको फर्स्ट मेथड से हल करेंगे गुणनखंड विधि से। फ्रेंड्स, देखिए आपको 12, 36 और 48 का पहले गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करेंगे कैसे फ्रेंड्स, देखिए आपको पहले 12 में कितना का, पहले 2 का इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 छः का 12, 2 तय 6, 2 से कटेगा और 3 से, 3 कहिए 3। देखिए कितना है, 2 2 2 आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 36 का करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें पहले 2 का भाग देंगे, कितना होगा 36 में, देखिए 2 का भाग देंगे 18 बचेगा, फिर 18 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा फ्रेंड्स, 9 बचेगा, और 9 में 3 का भाग देंगे 3 बचेगा, और 3 में 3 का भाग देंगे 1 होगा। यानी कि इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 3, यानी तितली के 9 9 × 2 18 × 36 आ गया फ्रेंड्स। यदि इस प्रकार नहीं समझ में आया होगा तो इस प्रकार इसका गुणनखंड आप कर लीजिएगा। देखिए इसी प्रकार 48 है, 48 का गुणनखंड करना है, किस प्रकार करेंगे, देखिए 48 में पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना बार बचेगा फ्रेंड्स, 24 बचेगा, ठीक है। 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 बचेगा, और 12 में 2 का भाग देंगे तो आपको कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 में 2 का भाग देंगे 3 बचेगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। यानी जो संख्या से भाग देने पे ये संख्या कट जाती है उसी को यहाँ पे लिखा जाता है फ्रेंड्स। ये यदि आपको न समझ में आए तो इस प्रकार यहाँ से गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका गुणा करके देख लीजिए 48 आ रहा है कि नहीं। देखिए 3 × 6 6 × 12 12 × 24 × 48। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके द्वारा हमको निकालना है एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालते समय फ्रेंड्स ये ध्यान दिया जाता है कि जो तीनों में कॉमन होता है इसको एक बार लिखा जाए। देखिए ये तीनों में कॉमन है ना, इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखिए ये भी कॉमन है, इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, गुणा करके एक बार लिख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 3 3 यानी तीनों में कॉमन 3 है, तो इस प्रकार इसको ले लेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे, 3 लिख लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जितनी भी संख्या बच रही है उन सभी संख्याओं को गुणा करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ इस वाले में 3 बच रहा है, 3 लिख लीजिए, इसमें 2 × 2 बच रहा है तो 2 × 2 लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपका एलसीएम कितना हो गया, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए 2 × 2 = 4 4 × 12 12 × 36 × 72 × 144 यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है। चलिए फ्रेंड्स एक भाग विधि से भी हल करते हैं इसी को। देखिए भाग विधि से हल करते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। देखिए फ्रेंड्स जब भी भाग विधि से आपको एलसीएम निकालना हो उसको पहले आप एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 इसी क्रम में पहले भाग दीजिएगा, पहले 2 से भाग दीजिएगा इन सभी संख्याओं में, फिर इसके बाद 3 से, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इतनी संख्याओं से भाग देंगे फ्रेंड्स तब तक ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। चलिए फ्रेंड्स पहले छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग देते हैं। देखिए 2 का भाग देंगे 2 × 6 = 12 यानी 6 बार में कट रहा है, 2 का भाग 36 में देंगे ये भी संख्या कटेगी 18 होगा, 2 का भाग 48 में देंगे ये भी संख्या कटेगी 24 बार में। देखिए फ्रेंड्स अभी भी ये 2 से कट रही है, अभी भी 2 से इसमें भाग देना है। देखिए 2 × 6 × 2 = 18 ये 12 बार में कटेगी, अभी भी देखिए एक संख्या अभी 2 से कट रही है, अभी भी हम 2 ही से भाग देंगे। देखिए यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 9 होगा, 2 × 6 = 12 अभी 6 2 से कट रहा है फ्रेंड्स। जब तक छोटी संख्या से कोई भी एक संख्या कटती रहेगी तब तक इसमें भाग दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ये 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है तो अब क्या करेंगे, अगली संख्या अभाज्य संख्या 3 लेंगे, अब 3 से भाग देंगे। चलिए देखिए देखिए यहाँ 3 से अब कट रहा है तो 3 से कटाइए। देखिए 3 × 3 तितली के 9 3 × 3 अभी भी 3 से एक संख्या कट रही है तो अभी भी 3 से इसमें भाग देंगे। चलिए 3 से दीजिए, देखिए 1 अपने जगह पर 3 × 3 3 × 3। तो फ्रेंड्स देखिए अब पूरी संख्या नीचे 1 1 1 आ गया तो अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। नीचे लिख लीजिए इन सभी संख्याओं को, देखिए एलसीएम जो ऊपर संख्या सभी कटाएं उनको आपस में गुणा करके लिखेंगे। देखिए कितना है, 2 ×
दो गुणे ये वाली संख्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, दो गुणे तीन गुणे तीन, इनका आपस में गुणा कीजिए कितना आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए तितली के नौ, नौ दुना के अट्ठारह, दुना के छत्तीस, दुना के बहत्तर, दुना के 144। देखिए फ्रेंड्स भाग विधि से भी एक आपका आंसर 144 आ गया, और ऊपर अभी लगाए थे गुणनखंड विधि से इसी सवाल को, तब भी आपका आंसर कितना आया था 144। तो फ्रेंड्स भाग विधि एवं गुणनखंड विधि दोनों विधियों से आपको इसी प्रकार से सवाल को लगाना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।